अस्सलाम वालेकुम। तेज़दा बेस्ट चैनल के मेरे सलाम कबूल करें। मैंने आगे भी बहुत चकियाँ बनाई हैं, मेरे चैनल चेक करें। आज मैंने बनाने लगी हूँ पीनट एंड ये देखें चने, इन दोनों के मैं बनाऊंगी छोटी छोटी गोलियाँ बहुत मज़े की। इसके लिए हाफ कप मैंने जो है जगरी लिया यानी गुड़, और 1.5 कप ये लिया मैंने, मिक्स कर लिए मैंने इनको। बहुत मज़े की बनेंगी, बाज़ार जैसे, बाज़ार से भी अच्छी चीज़ें मैं बना रही हूँ। और पीनट चक्की भी और पीनट चने, चले आए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़े की रेसिपी आज, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। ये मैं हाफ जो है टेबल स्पून डाल रही हूँ देसी घी। आप लोग की मर्ज़ी है कि आप लोग दूसरा घी डाल लें या ऑयल डाल लें। ये जो हाफ कप जगरी मैंने पीस है तो ये भी डाल दिया मैंने। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। इसमें 1 स्पून जो है मैं पानी डालूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाने। बहुत मज़े के बनेंगे ये छोटी छोटी आप टिक्कियाँ बनेंगी। और आप लोगों ने बाज़ार में अक्सर देखी होंगी शॉप्स पर, इधर उधर छोटे छोटे जो हैं वो जगरी के बने हुए पीनट के और इसके गोलियाँ मिलती हैं। और मौसम सरमा में तो जगरी से बहुत सी चीज़ें बनती हैं और लोग तो बहुत मज़े से खाते हैं। बाज़ार से लेने से बेहतर है आप घर में बनाएं। घर में आप लोग बच्चों को बना के दें तो ज़्यादा प्रोटीन और एनर्जी उनको ये मिलेगी और साफ़ सुथरी चीज़ें मिलेंगी उनको। ये देखिए मेल्ट होता जा रहा है, इसको इसी तरह जब तक ये पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए इसको इसी तरह पकाते रहें। ये 1-1.5 मिनट लेता है। अगर आपने इसको पीस के डाला हुआ है तो फिर तो 1-1.5 मिनट लेता है इसको भी बस पकने में। और इसको पकाते वक्त इसके जो कैरेमल बनना है वो मैं पानी में डाल के आपको दिखाती जाऊंगी कि किस तरह, किस वक्त ये पूरी तरह मुकम्मल होगा और किस तरह आपने इसको बनाना है। जल्दबाजी में बनाएंगे या इस कुछ देर तक पकाते रहेंगे तब भी ये ख़राब हो जाएगा, जल्दबाजी में बनाएंगे तब भी ये ख़राब हो जाएगा। तो पूरी रेसिपी को मेरी फॉलो करें और नए देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए हम ये मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो गया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएं कि ये लगे ना। बहुत मज़े मज़े की रेसिपी हैं मेरे चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा। जगरी और मुरमुरे के बने लड्डू भी बनाए हुए हैं, चक्की भी बनाई है, और एक मुरमुरे की जो है मेवे के साथ और सौंफ के साथ चक्की बनाई है। ये देखिए अब ये ऊपर ऊपर झाग आना शुरू हो गई है, अब ये पकना शुरू हो गया है। अब इसको हमने मुकम्मल तौर पे पकाना है।
मैं अपनी तकरीबन रेसिपी में फुल रेसिपी आपको दिखाती हूँ, काट काट के नहीं इतना दिखाती, ताकि आप मेरी पूरी रेसिपी को देख के फॉलो कर सकें। ये देखिए, पानी हम अपने पास रख लेते हैं। मैं आपको दिखाती जाऊंगी किस स्टेज पे आपने ये सब चीज़ें डालनी है। जब आपका गुड़ जो है थोड़ा सा कुरकुरा सा हो जाए तब आपने ये सब डालना है। ये देखें, अभी थोड़ा और पकेगा ये। ये देखें, अभी इसमें लचक है, ये देखें, अभी ये लचक है, अभी ये सही नहीं बना, अभी थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये जगरी को पकाते वक्त तो इसको इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है। और फिर मैं इसको पानी में डालूँगी। अब हल्का सा क्रिप्सी होने लगा है, हल्का सा है लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ, थोड़ा सा हम और पकाएंगे। इसको हमने फुल क्रिप्सी बनाना है। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है इसका। सर्दियों में तो भरपूर विटामिन और मिनरल लेने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए जगरी से बनी हुई चीज़ें ज़रूर खाया करें। एक तो ये आपके स्टोमिक को और डाइजेस्ट सिस्टम को भी बहुत अच्छा करता है। बच्चों को तो ख़ास कर ऐसी चीज़ें दें। ये देखें जी, अब थोड़ा सा ये देख, थोड़ी सी इसमें हो गया, कसर हो गई है। बस मैं अब थोड़ा सा बस इसको आधा मिनट और पकाऊंगी और ये रेडी है। बहुत मज़े की ये पीनट और चने की जो मिक्स करके बनाऊंगी मैं, बहुत ही मज़े की बनेंगी। मैंने पीनट की थोड़ी सी सेपरेट भी बनाई है, वो भी इसी तरह बनाई है। ये जी पक के ये हमारा रेडी हो गया है कैरीमल। और अब मैं इसमें ये चने और मूँगफली डाल रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा, अभी साथ ही ये मिक्स हो जाएगा और बहुत अच्छा कैरीमल इसका बना है।
और ये दोनों का मिक्स करके तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। ये देखें तार बिल्कुल नहीं है, और ऐसे ही आपकी जो जगरी बननी चाहिए इसका सिरप, के तार बिल्कुल ना बने। चलें जी, ये पक के तैयार हो गया। अब इसको मैं मोल्ड में डालती हूँ। ये मोल्ड लिया मैंने, ये मैं इसके सारे साइड्स पे ये लगा देती हूँ, और ये भी मैंने देसी घी लगाया, इससे ज़रा बहुत अच्छी स्मेल आती है, और इतना अच्छा खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। ये देखें जी, ये हमारी रेडी हो गया। अब मैं इसको इसमें डालूंगी। इसकी मदद से मैं सारा इसको फैलाऊंगी। बहुत इस टाइम गर्म है, फिर भी हाथ लग जाता है। मैंने लगाया इसको हल्का सा सा, ये देखें जी बहुत हॉट। बहुत मज़े के बनेगा कुरकुरे, बहुत मज़े बनेंगे इसके। अभी आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं कड़क कड़क की। इस मोल्ड में आप बगैर पेपर लगाए, आप इसमें देसी घी या कुछ भी लगा के तो रख दें, इससे आसानी से निकल आएगा। अब इसको ज़रा मैं ठंडा होने दूंगी, ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं काटूंगी। थोड़ा सा ठंडा, मुकम्मल ठंडा होने पे नहीं मैंने इसको काटना, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो ले तो मैं इसको काटती हूँ। देखें साइड से कितने आराम से लैदा हो जाता है, ये देखें। तो ये ठंडा हो ले तो फिर इसको मैं करती हूँ ले सेपरेट। ये देखें चने और मूंगफली कितने अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी देर इसको ठंडा होने देती हूँ तो फिर मैं इसको काटती हूँ। ये हल्का सा ठंडा हो गया है, इसको मैं हल्का सा काट लेती हूँ ताकि ये मुकम्मल जम गया तो इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। इसके इस ना छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। देखें जी अब ये जमती जा रही हैं, बस ये थोड़ी दिन और ठंडी होती हैं तो मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसको मैं यहाँ पे सेपरेट करती जा रही हूँ। देखिए इसके पीसेस मैंने कर लिए हैं, अब ये ठंडा हो जाता है तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए जी, मज़े की रेसिपी। एक तो मैंने ये देखिए पीनट की बनाई है, वो भी ऐसी ही बनाई है, और एक ये छोटे छोटे ऐसे गोलियां की तरह बनाई हैं, बहुत ही मज़े की,
बहुत मज़े की ये रेसिपी है। ये देखिए, ये पीनट की और ये पीनट और चना दोनों मिक्स। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही मज़े की, सर्दियों में तो ये खाने का इतना मज़ा आता है, और बाहर से लेने के बजाय घर में बनाएं और घर में बैठ के खाएं, लिहाफ में बैठ के खाएं, सुबह खाएं, शाम खाएं, सर्दियों में क्या। ये देखें कुरकुरा किस तरह है, ये देखें, देखा, ये देखें क्या मज़े की। आवाज़ आ रही होगी। शीशे की तरह बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ेदार चक्की बनी है। और ये नहीं देखो, मज़े के जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगी, मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, टेस्ट एंड बेस्ट के चैनल से, जहाँ भी जो किचन टेस्ट एंड बेस्ट का किचन के से नाम से मैं हर जगह पे हूँ। आप मुझे वहाँ भी फॉलो करें। तो कल के लिए अल्लाह हाफिज़।